प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आप और हम सालों से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं। आप ये जानते हैं कि रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच अटूट बंधन और प्यार का प्रतीक है। लेकिन क्या आप रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां जानते हैं? यदि नहीं तो हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाने जा रहे हैं। पहली कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत में आपने शिशुपाल वध का प्रसंग तो सुना ही होगा। खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ जैसे सुंदर नगर में तब्दील कर देने के बाद पांडवों ने सभी राजाओं को आमंत्रित किया। यहाँ सबसे श्रेष्ठ राजा की पूजा की जानी थी। सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि पूजा के लिए सबसे उपयुक्त पात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन चेदी गणराज्य के राजा शिशुपाल ने इसका विरोध किया। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। श्री कृष्ण ने उनकी 100 गलतियां माफ की, लेकिन शिशुपाल नहीं रुका। तब क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस लौटा तो उसकी तेज धार से भगवान श्री कृष्ण की अंगुली कट गई, खून बहने लगा। तभी पास खड़ी द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़कर उनकी अंगुली और कलाई में बांध दिया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को भी रक्षा का वचन दिया। और जब हस्तिनापुर के राज दरबार में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। ये भाई बहन के बीच प्रेम, रक्षा और अटूट बंधन का प्रतीक था। रक्षाबंधन की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। रक्षाबंधन से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा देवता असुर संग्राम से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में असुरों का पलड़ा भारी लग रहा था। बड़ी संख्या में देवता हताहत हो रहे थे। लग रहा था कि देवों की पराजय हो जाएगी। लेकिन तभी देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी देवों को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी सुरक्षा की कामना की। इसके बाद देवताओं ने असुरों को युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया और देवलोक की रक्षा की। रक्षाबंधन से जुड़ी एक ऐतिहासिक कहानी भी है। कहानी के मुताबिक एक बार चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ। तब चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और पत्र लिखकर उनकी सहायता मांगी। रक्षाबंधन को लेकर ये कहानी भी सालों से लोकप्रिय है। ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।